हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आने वाले सीरीज जो आयरलैंड के खिलाफ खेली जाएगी उसमें भारतीय कोचिंग स्टाफ को रेस्ट दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी, जब आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सिलेक्शन होगी उस समय पूरी तरह से पता चलेगा कि इनको रेस्ट दिया जाएगा या नहीं। लेकिन बड़ी खबर निकल के आई है, राहुल द्रविड़ और बाकी जितना भी कोचिंग स्टाफ है उन सबको रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें राहुल द्रविड़ हेड कोच, वहीं विक्रम राठौड़ बैटिंग कोच और टी दिलीप फील्डिंग कोच और प्रयास मामरे बॉलिंग कोच, इन सभी को रेस्ट दिया जा सकता है। और वीवीएस लक्ष्मण को आयरलैंड के खिलाफ जो अगस्त में 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच सीरीज खेली जाएगी 3 T20 मुकाबलों की, उसमें वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखने वाली बात हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच एशिया कप खेलना है, उसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच सीरीज खेलनी है, उसके बाद ICC P50 वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेलना है। इसलिए राहुल द्रविड़ और बाकी कोचिंग स्टाफ को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये 3 मुकाबलों की सीरीज जो खेली जाएगी आयरलैंड के खिलाफ उसमें आखिरी बार ये रेस्ट करते हुए दिखेंगे राहुल द्रविड़ और बाकी कोचिंग स्टाफ, इसलिए इन सभी को रेस्ट दिया जा सकता है और वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच बनाया